जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। रब्बी गुरु जी, ऐसा चमत्कार हुआ है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ऐसा क्या चमत्कार हो गया? यीशु ने पता नहीं क्या किया कि वो दूषित कुआं ना ही सिर्फ साफ हुआ है बल्कि पानी से लबालब भर गया। ऐसा कैसे हो सकता? मैंने अपने हाथों से पानी में ऐसी औषधि घोल कर दी थी जिससे यीशु पी कर बीमार हो जाता, और उसके बाद क्या अब भी कुछ सोचने समझने को बाकी रह गया है? हाँ, यीशु को बीमार करना चाहते थे, और देखिए आप खुद बीमार हो गए। अब तो मान लीजिए कि यीशु पर साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद है। यीशु, मैंने कहा था ना, ईश्वर जरूर तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। अब जल्दी से अपने हाथों से ये पानी मन्नू को पिला दो, मन्नू भी ठीक हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये कुएं का पानी अभी शुद्ध हुआ है या नहीं, कहीं अभी इसमें जहर रह गया हो तो? और मन्नू की तबीयत तो पहले से इतनी खराब है, और ये पानी पीकर और तबीयत खराब होगी तो? यदि हमें परमपिता परमेश्वर पर विश्वास है तो संसार में कहीं कोई जहर नहीं है। परमपिता परमेश्वर की भेंट है हम सबके लिए। यीशु, तुम पर कोई भरोसा करे या ना करे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम ये पानी अपने हाथों से मन्नू को पिलाओ और इसे ठीक कर दो। यीशु, मेरे बच्चे को भी पानी पिला दो, उसे भी ठीक कर दो। अब तो आप लोगों को विश्वास हो गया ना कि इस कुएं का पानी साफ और शुद्ध है। बेटा, तुमने तो हम सबकी जान बचा दी। तुमने बहुत लोगों को ठीक किया है, मुझे भी ठीक कर दो यीशु।
मैं तुमसे विनती करता हूं, अपने हाथ से मुझे भी पानी पिला दो। हो सकता है ईश्वर की कृपा मुझ पर हो जाए, मैं बच जाऊं, नहीं तो अपने कर्मों की सजा भुगतने को मैं तैयार हूं। परमपिता परमेश्वर कभी हमें परेशान करना नहीं चाहते, वो तो बस हमें तैयार करते हैं। सारी जिंदगी आप लोगों को यह विश्वास दिलाते रहे कि आप ही ईश्वर के दूत हैं। अब परमपिता परमेश्वर आपको सारी परेशानी से मुक्त करने वाले हैं। मैं ठीक हो गया हूं। यीशु, मैं ठीक हो गया हूं। ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया। जानबूझकर मैंने पट्टी बांध रखी थी अपनी आंखों पर। मैं सबको यह जताना चाहता था कि मैं ईश्वर का सच्चा भक्त हूं और ईश्वर की खास कृपा है मुझ पर। पर सच तो यह है कि ईश्वर की कृपा मुझ पर नहीं, तुम पर है यीशु। आज मैं सारे गांव वालों के सामने स्वीकार करता हूं कि तुम हो जिसको ईश्वर ने चुना है ताकि तुम हम सबका और पूरी संसार का भला कर सको। कितना मूर्ख था मैं जो तुम्हारी दिव्यता को देख नहीं पाया और अपने आप को इन गांव वालों का मसीहा समझता रहा, लेकिन असल में हमारे मसीहा तुम हो यीशु। तुम हो हमारे मसीहा, हम सबके मसीहा तुम हो। हो सके तो मुझे माफ कर देना यीशु। मैं कोई ईश्वर का दूत नहीं हूं, मैं एक पाखंडी और झूठा इंसान हूं। आप कोई ढोंगी या पाखंडी नहीं है, आपके अंदर भी परमपिता परमेश्वर का वास है रब्बी गुरु जी। आपका मेरा हम सबका शरीर एक मंदिर है जिसमें आत्मा के रूप में खुद परमपिता परमेश्वर विराजमान है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो यीशु। ईश्वर हम सबके अंदर विराजमान है, हमें बाहर और कहीं तलाश करने की क्या जरूरत है। मुझे ठीक राह दिखाने के लिए बहुत बहुत आभार। यीशु की जय। 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 Thank you.
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।